वेलकम टू साइंस एंड हेल्थ टॉक। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेली और आपके जिस्म की ओवरऑल चर्बी ख़त्म हो जाए तो आपको इन 5 फूड्स को लाजमी अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना होगा। ये 5 खाने हर घर में मौजूद होते हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं फैट लूज़ करने में। बस आपको पता होना चाहिए कि आपने इनको कब और कैसे इस्तेमाल करना है ताकि आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जो एक्स्ट्रा फैट होती है वो ना सिर्फ हमारी लुक को ख़राब करती है बल्कि हमारे जिस्म के सारे ऑर्गन्स के नॉर्मल फंक्शन को भी ख़राब कर देती है और ये दूसरी बीमारियों के रिस्क को भी ज़्यादा करती है, जैसे कि फैटी लीवर, टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट अटैक और उसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर का भी सबब बनती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जिस्म से एक्स्ट्रा फैट को ख़त्म करें। चलें अब इन 5 फूड्स के बारे में बात करते हैं जो फैट को तेज़ी से ख़त्म करते हैं। नंबर 1, हॉट वाटर। गर्म पानी में 0 कैलोरीज होती हैं और ये बेस्ट ड्रिंक है वज़न कम करने के लिए। एक रिसर्च से पता चला है कि गर्म पानी आपके अंदर इकट्ठी हुई फैट को तेज़ी से ख़त्म करता है, उसके साथ साथ आपके डाइजेस्टिव निज़ाम को भी तेज़ करता है जिससे आपकी फैट तेज़ी से ख़त्म होने लग जाती है। गर्म पानी पीने से आपके जिस्म का टम्परेचर ज़्यादा होता है जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप कर देता है। उसके साथ साथ आपके ब्लड की सर्कुलेशन भी इससे तेज़ होती है जो कि आपके वज़न को कम करने में मदद देती है। अगर आपकी बेली लार्ज है तो आपको गर्म पानी पीना शुरू कर देना चाहिए। सुबह खाली पेट अगर आप इसको पीते हैं तो इससे आपकी बाउल मूवमेंट तेज़ होती है और इसके साथ साथ आपके पेट का साइज़ भी कम होता है। इसको अगर आप खाने के दरमियान पीते हैं तो इससे आपका खाना बेहतर तौर पर हजम होता है और इसके साथ साथ ये गुर्दों से जहरीले मादों को भी बाहर निकालने में मदद देता है। 2nd, आंवला, एलोवेरा एंड जिंजर जूस। इन तीनों में कुदरती तौर पर मैजिकल खसूसियात होती हैं फैट को ख़त्म करने की। आंवला में बहुत ज़्यादा विटामिन सी मौजूद होती है जो मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है। एक स्टडी से पता चला है कि जो लोग आंवला का इस्तेमाल करते हैं उनमें खाने की क्रेविंग कम हो जाती है और वो कम कैलोरीज ले पाते हैं। उसके अलावा आंवला में एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं। एलोवेरा जूस में फाइबर्स होते हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल को कम करने में काफ़ी मदद देते हैं। जिंजर जूस को एज ए स्टार्टर के तौर पर जाना जाता है जो कि मेटाबॉलिज्म को एकदम से स्पीड अप कर देता है और आपको बहुत कम भूख लगती है। उसके अलावा इस जूस की वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है जिससे फैट जो है वो जल्दी ख़त्म होती है। इन तीनों का कम्बिनेशन बेहतरीन माना जाता है वज़न कम करने के लिए। आप इसको सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले लाजमी पिए। आपने 1 ग्लास लें, उसमें 4 टेबलस्पून आंवला जूस, 4 टेबलस्पून आप एलोवेरा जूस और 1 टेबलस्पून आप जिंजर जूस डालें। बाकी ग्लास में आप पानी डाल दें। ये बेस्ट मशरूब है जो आपका वज़न तेज़ी से कम करता है। नंबर 3, बार्ले। ये 10,000 साल पहले से इस्तेमाल होता है जिसको आम जुबान पर जौ कहते हैं। ये वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें यह खसूसियात मौजूद है कि हमारे जिस्म की एक्स्ट्रा चर्बी को ख़त्म करता है। ये हमारे जिस्म में जो बैड कोलेस्ट्रोल है उसको तेज़ी से कम करता है। उसके अलावा ये ब्लड में शुगर लेवल को भी कम करता है। उसके साथ साथ ये हमारी स्ट्रेस को कम करता है और हमें नींद अच्छी आती है जिससे हमारी फैट भी तेज़ी से कम होती है। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, आप बार्ले वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप बार्ले को सोक्ड करें, उसके बाद उसको बॉयल करें और उसमें लेमन जूस ऐड कर दें। उसके अलावा आप जो कि रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गंदम की रोटी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, जो कि रोटी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है वेट लूज करने के लिए। नंबर 4, कैबेज। कैबेज में बहुत कम कैलोरीज होती हैं, उसके साथ साथ इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। इसमें फिल्ड होती है ये वाटर के साथ जिससे ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी साफ करती है। उसके अलावा इसमें विटामिंस, मिनरल्स, पॉलीफिनोल्स और सल्फर भी मौजूद होते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करना है तो चलिए बताते हैं। इसको आप सूप बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिनर के लिए, या इसको सब्ज़ी के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसको सैलड बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, मूंग दाल।
सबसे आखिरी चीज़ मूंग दाल है। ये वह दाल है जो वज़न कम करने के लिए आइडियल मानी जाती है और ये बहुत तेज़ी से वज़न कम करती है, आसानी से हज़म हो जाती है। उसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स, प्रोटीन मौजूद होते हैं। आप इसका सूप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं या इसका सालन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आइडियल होती है वज़न कम करने के लिए। अगर आप इन 5 खानों को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लें तो आपकी वेट लूज़ करने की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपके लिए काफ़ी कुछ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।